रही बारिश लोगों की परेशानी का कारण है। कहीं लोगों के घर पानी में डूब गए हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ों के खिसकने का सिलसिला भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। खतरा नहर में ऊपर पानी आ गया है जिससे लोगों को भी खतरा कहीं ना कहीं अब हो सकता है। लगातार पहाड़ों पर भी बारिश हो रही है। विभागों को पहले से ही मानसून के लिए तैयार रहने को कहा है। इस में जो है हमारे सभी विभाग काम करें, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, समन्वय बनाएं। उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार, नदियों में उफान, सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी, बेघर हुए लोग। देवभूमि में बारिश से तबाही का मंजर। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है। शहरी इलाकों से लेकर पहाड़ों में भारी बारिश से हाहाकार मचा है। ये तस्वीरें नैनीताल जिले में आने वाले हल्द्वानी शहर की हैं। देखिए कैसे यहां चारों तरफ बारिश के बाद कई इलाके झील में तब्दील हो गए। पानी में लोगों के घर डूब गए। घर में रखा सारा सामान खराब होने की वजह से अब इनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। देख सकते हैं हल्द्वानी के तीन पानी क्षेत्र में ये किस तरह से लगातार पानी यहाँ पर भर चुका है। कई घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। ये घर पूरी तरह से डूब गए हैं। आंवला चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहाँ देख सकते हैं आप लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि उनके घरों में पानी घुस गया है। रोजमर्रा की चीज़ें जो हैं वो खराब हो गई हैं और काफ़ी दिक्कत हो रही है सर। और रात से यहीं पे बाहर ही हैं हम लोग, कुछ खाया पिया भी नहीं है अभी। जोरदार बारिश के चलते प्रदेश में कई जगह पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गए जिसके चलते सड़कों पर जाम लग गया। नैनीताल जिले में भी तेज हवा और बरसात के बाद कई पेड़ सड़क पर गिर गए जिसके बाद मशीन की मदद से इन बड़े पेड़ों को काटकर सड़क से हटाया गया। अल्मोड़ा जिले में भी भारी बारिश का तांडव जारी है। एक तरफ जहां रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बारिश के बाद 922 मीटर के करीब पहुंच गया है तो दूसरी तरफ बारिश का पानी लोगों के घरों को बर्बाद कर रहा है। तस्वीर चौकुटिया शहर की है। यहां इतनी जोरदार बारिश हुई कि पानी लोगों के घरों में जा घुसा। जानकारी के मुताबिक पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी दुकानों के अंदर से होते हुए लोगों के घरों में भर गया जिससे उनके घरों में रखा सारा सामान खराब हो गया। मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के लिए आने वाले 5 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। SDRF और NDRF की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। इसके साथ ही बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिला प्रशासन ने 12 तक के सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। SDRF और NDRF फोर्स और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने को कहा गया है। विभागों को पहले से ही मानसून के लिए तैयार रहने को कहा है और जो भी पिछले सालों में हमको तमाम जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, कुछ हमारे अनुभव रहे हैं, जो भी शिक्षा हमको मिली है उसी शिक्षा से आगे आने वाले समय में लोगों को परेशानी न हो, त्वरित रूप से आपदा में जो है हमारे सभी विभाग काम करें, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, समन्वय बनाएं। उत्तराखंड में आने वाले 2 से 3 दिन भारी बारिश से यही हाल रहने वाला है। सरकार भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। नदियों में बढ़े जलस्तर के चलते लोगों से नदियों के आसपास न जाने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।